नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं HCN। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सगी दो बहनों से दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या का मामला। पीड़ित परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले। पीड़ित परिवार के गांव पहुंच परिजनों को दिया न्याय दिलाने व हर संभव मदद का आश्वासन। पीड़ित परिवार को भूमि पट्टा व परिवार के एक व्यक्ति को शीघ्र नौकरी देने के लिए SDM को दिए निर्देश। मृतक किशोरियों से मिल घटना की जानकारी ली व परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान मृतक किशोरियों के पिता ने मंत्री से की पुलिस की शिकायत, कहा पुलिस गाली देती है। पिता ने कहा कि कोतवाली में गवाही देने गए युवक की कोतवाली गेट के सामने से बाइक चोरी हो गई। पाए पीड़ित परिजनों से मुलाकात किए, क्या कुछ उनकी मांगे रही? मतलब उनके पिताजी ने, उनके भाई ने मांग किया है कि जो आरोपी गुनहगार है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते हमारी भी मांग है कि भाई जो गुनहगार है, ये मानवता को कलंक लगाने वाली घटना घटी है। 14 तारीख को दोपहर 3 बजे यहाँ आकर उन्होंने मतलब दो दलित समाज के लड़कियों को ले गए और उनके ऊपर मतलब बहुत ही गंभीर अत्याचार उन्होंने किया है। तो ये घटना का निषेध करने के लिए, उनके फैमिली की सांत्वना करने के लिए हम इधर आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस फैमिली को 25 लाख रुपए का जो मदद है वो भी अनाउंस किया है। 1 एकड़ जमीन देने का भी उन्होंने अनाउंस किया, उसका पट्टा 1 हफ्ते भर में मिल जाएगा। मेरा जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उनके तरफ से 16.5 लाख रुपए की मदद जो है ये भी इस फैमिली को मिलने वाली है। सर, जिस दिन घटना हुई उस दिन खेत मालिक का जो नौकर वहीं पर मौजूद था उससे पूछताछ नहीं, क्या लगता है उससे पूछताछ होनी चाहिए? सर, जो पूछताछ है सबसे करनी चाहिए। मैंने पुलिस ऑफिसर को सूचना दी है कि मतलब यहाँ दो अपने लड़कियों के माता जी तो आई विटनेस ही है, लेकिन जब उनको यहाँ उठा कर ले गए थे तो गांव के कुछ लोगों ने भी जवाब देने की आवश्यकता है, उसके लिए पूछताछ की पुलिस की कोशिश जारी है। सर, जो पीड़ित माँ है उसका आरोप है कि जो कोतवाल है और अन्य पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं, उन्हें SIT में शामिल किया गया, क्या कुछ कहेंगे सर? मतलब सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने वहाँ पर ध्यान देकर अगर कोई और भी उसमें जो बचे हुए लोग होंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए HCN। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल HCN को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।